क्यों आ गया ना मुंह में पानी। ऐसी झटपट बनने वाली चिकन की रेसिपी जिसमें ज्यादा मसाले नहीं है लेकिन फिर भी स्वाद में नो कॉम्प्रोमाइज। एंड यू नो लाइक इट इज़ वेरी गुड फॉर बैचलर्स और जिनको लाइक जल्दी से ऑफिस जाना है, बट यू नो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अवर टेस्ट बट और जल्दी से झटपट तैयार होने वाली चिकन रेसिपी। सो दिस इज वॉट जल्दी से बनने वाली टेस्टी 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 चिकन रेसिपी। तो चलो लेट्स सी द प्रोसेस। हमको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए वी नीड गार्लिक, दो पीपरी, दो बड़ी इलायची, थोड़ा सा जिंजर और अनियंस एंड रेड चिली। ये हमको पेस्ट बनाने के लिए लगेगा। देन हमको ऑयल में फ्राई करने के लिए चाहिए टमेटोज एंड अनियन फाइनली चॉप। और यहाँ पे हमको लगेगा थोड़ा सा तेल में फ्राई करने के लिए शाही जीरा और बे लीफ और थोड़ा सा धनिया। यू नो लाइक धनिया के बगैर खाना एकदम अधूरा है बॉस। सो यहाँ पे अभी हमने ले लिया है ऑयल और जैसे कि आप देख सकते हो मैं शाही जीरा और तेज पत्ता डाल रही हूँ। मुझे इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, यू नो वो जलना जलने भी नहीं देना है और इसको एकदम हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। एंड अभी हमारे अनियंस तेल में जा चुके हैं, यू नो इसको भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है। कैरामलाइज नहीं होने देना, लेकिन कैरामलाइज की पहले वाली स्टेज होती है वहाँ तक इसको जल्दी से जल्दी फ्राई करना है। और यू नो मैं ये सब चीज़ कर रही एकदम हाई फ्लेम में और इसका कुकिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। आप जल्दी से हाई फ्लेम में एकदम फटाफट फटाफट कर लो और कोई ज़रूरत नहीं है लाइक दम लगाओ तो बहुत कुछ लगाओ, टेस्ट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। बट ओके सो मैंने अभी ना गार्निश करने के लिए धनिया काट दिया है, बट जो धनिया की स्टेम्स थी वो भी मैंने थोड़ा सा लेके ऑयल में फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो जैसे अभी ये कैरमलाइज होना शुरू हो चुका है, मुझे इसको थोड़ा सा और कैरमलाइज करना है ताकि वो ब्यूटीफुल सा ब्राउनी कलर और फ्लेवर जो आता है ना कैरमलाइज अनियन का वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और अभी यहाँ पर मैं मेरे ग्राइंडर में जो मैंने आपको बताया था मसाले अनियंस रेड चिली पीपरी और बड़ी इलायची जिंजर गार्लिक एंड अनियंस, तो अभी एट दिस पॉइंट अनियंस एकदम फाइनली कैरमलाइज से पहले वाली स्टेज में आ चुके हैं। और अभी हम जो हमारा पेस्ट तैयार किया था उसको मस्त तेल में फ्राई होने देना है, यू नो लाइक वो रिड्यूस हो जाएगा और कैरमलाइज अनियन जो अपना कलर छोड़ देगा और सब एक फाइन पेस्ट जैसे हो जाएंगे। तो अब इसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा भूनना है। दिस चिकन इज़ ऑल अबाउट लाइक फ्लेवर्स, भूनना और यू नो लाइक इट इज़ सो गुड, यू नो जब चीज़ें भुन जाती है ना वैसा वाला काइंड ऑफ लाइक भुना चिकन काइंड ऑफ टेस्ट आता है इसका, बट बहुत ही यम्मी। तो मैंने थोड़ा सा जो पानी बचा था मेरे जार में मैंने वो थोड़ा सा धो के डाल दिया है, वाई टू वेस्ट वो जो मसाले रहते हैं ना। तो चलो ठीक है सब कुछ डाल देते हैं। अब इसको हमको और पकाना है, पकाते पकाते इतना रिड्यूस कर देना है कि एकदम वो सॉलिड मसाले वाला एकदम कंसिस्टेंसी हमको मिल जाए। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी ये देखो अभी लाइक 50% हमारा पानी इवापोरेट हो गया है, अभी ये इट्स स्टार्टिंग टू गेट थिकन। तो अभी इसको और पकाना है, इससे भी ज़्यादा और पकाना है, लाइक एक फाइन पेस्ट जैसा हमको मिलेगा कंसिस्टेंसी तब तक इसको पकाते जाना है। तो थोड़ा सा और पकाते हैं इसको, लेट्स सी कि कितना देर लगता है। बट यू नो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है बिकॉज हम सब कुछ हाई फ्लेम में कर रहे हैं, हमको स्लो फ्लेम में कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इतना पकाना है कि हमको फाइनली ऐसी वाली कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। अब फाइनली आप थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल सकते हो इफ़ यू हैव, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग मेजर विद द टेस्ट। सो मैंने थोड़ा सा कार्डमम डाल दिया है, अभी हमारा मसाला एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है जैसा हमको चाहिए। एंड नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू ऐड इन द चिकन। तो मैंने चिकन ऑलरेडी धो के रख लिया है, अभी आई एम गोइंग टू ऐड चिकन वन बाय वन। As you can see आप अपने हिसाब से चिकन ऐड कर सकते हो उसको धो के जिस तरीके से आपको पसंद है। मुझे मेरा चिकन थोड़ा सा हल्दी लेमन और सॉल्ट से मुझे धो के वैसा पसंद है, मैं इससे चिकन साफ़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अब मैंने ये सारा चिकन मसाले में डाल दिया है और अब मैं इसको बहुत अच्छे से चम्मच चलाने वाली हूँ ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे के सारे कोट हो जाए। एंड देन अगेन हमको भुनना है इसको और जब भुनेंगे तब यू नो आपका घर भी बहुत अच्छे से स्मेल करने वाला है। एट दिस पॉइंट जो मसाले की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और जो चिकन का कॉम्बिनेशन होता है तो अभी से यू नो खुशबू आनी शुरू हो गई और अभी से मेरा घर एकदम बहुत प्यारी एकदम टेम्पटिंग खुशबू से महकने लगा है।
तो आप देख सकते हो मैंने अभी चिकन को मस्त कोट कर दिया है। और अभी एट दिस पॉइंट यू हैव टू ऐड चॉप टमेटोज ताकि वो टमेटो अपना टैंगी टेस्ट छोड़े और यू नो लाइक आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टमेटो का टैंगी पानी रहेगा और चिकन का जो पानी छूटेगा तो आपको एडिशनल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ इन केस ज़्यादा ड्राई होता है तो यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अभी टमेटो डालने के बाद इसको और भुनना है। तो देखो टमेटो को डाला और थोड़ा सा ना पानी छूट गया, बट यहाँ पे आई नीड थोड़ा सा और लिक्विडिफाई, तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। बट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन ऐड और यू कैन नॉट ऐड, आपके मर्ज़ी के ऊपर है। तो मुझे तो थोड़ा सा चाहिए था बिकॉज मैंने इंजीरा के साथ आज खाना है, यू नो लाइक इंजीरा के साथ चिकन बहुत टेस्टी लगता है। एंड ऑल्सो इंजीरा एक इथोपियन डिश है जिस जो चिकन के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। सो अभी ऑलमोस्ट हमको और भुनना है, आप इसको लिड लगा के छोड़ देना कुछ देर तो ये मस्त मसाले में कोट हो जाएगा। तो अभी देखो कि ऑलमोस्ट पानी फिर से इवापोरेट हो गया है, तो अगेन इट इज़ लाइक वेरी गुड साइन कि ऑलमोस्ट आपका चिकन पक गया है। तो अभी मैं इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं सब इन्हांस हो जाए। तो फाइनली अभी मैंने गैस ऑफ की है और इसको इसी के स्टीम में थोड़ी देर मैंने पकने को छोड़ दिया बिकॉज यू नो लाइक तब से मैं हाई हीट पे कुक कर रही थी तो फिर बहुत ज़्यादा पक रहा था, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, बट अगेन आई एम गोना टर्न इट ऑन। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा चिकन पक चुका है लाइक 90%। और अभी अभी हम पानी को सुखाने के लिए और अपनी ग्रेवी पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है कस्तूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली, हल्दी और गरम मसाला एंड धनिया पाउडर। अभी चिकन पक चुका है तो मैं अभी ये सब डाल रही हूँ बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा सा और पकाना है। और इसकी जो रंगत आती है ना ये सारे मसाले इस पॉइंट पे डालने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मसाले डालने के बाद आप इसको मस्त घुमाओ, एकदम सारे जगह मसाला कोट कर दो ताकि एक भी कॉर्नर ना छूटे, और मस्त इसको थोड़ी देर और ढक के छोड़ देना। गाइस इट्स लाइक अनबिलीवेबल जो स्मेल आ रही है, आई होप कि आप लोग भी लाइक वो वीडियो के थ्रू वो स्मेल जा पाती। इट्स लाइक सो गुड, सो टेम्पटिंग एंड सो अमेजिंग एंड आई कैन नॉट वेट टू हैव दिस चिकन, भुना चिकन, ओ माई गॉड। डू लेट मी नो किसको कोई किस चिकन बनाना पसंद है और लाइक टेस्ट भी मस्त होना चाहिए। सो अभी मैं इस चिकन को कवर करके थोड़ी देर और छोड़ दूंगी। बस आप देख सकते हो थोड़ा सा और पानी मैंने डाला है बिकॉज कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया। और अभी मैं इसको पकाने वाली हूँ लिड लगा के थोड़ी देर और। सो अभी मैंने इसको लिड लगा के 5 मिनट छोड़ दिया है, जस्ट गुड 5 to 10 मिनट। एंड यू नो लाइक आप देख सकते हो इसकी फाइनल रंगत इज आउट नाउ एंड इट वॉज स्मेलिंग सो गुड एंड आई कैन नॉट वेट टू हैव दिस चिकन, ओ माई गॉड। तो ये कुछ अभी इस तरीके से दिखने वाला है, परफेक्ट जितना मुझे लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए थी वैसा है। और अभी इट इज़ रेडी टू डिश आउट। एंड येस आप इसको 5 मिनट लिड ऑफ करके, गैस ऑफ करके ऐसे ही थोड़ा सा और सेटल होने दे सकते हो, तो दे देना, इट विल अगेन इन्हांस थोड़ा सा टेस्ट। और अभी इस पॉइंट पे मैंने इसको लिड कवर करके थोड़ी देर और छोड़ दिया है, यू नो लाइक गैस ऑफ है अभी, जस्ट सब कुछ थोड़ा सा मैंने उसको लिड ऑफ करके छोड़ दिया था। एंड फाइनली इट इज़ रेडी फॉर डिश आउट। So I'm just gonna serve और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हाउ इट लुक। सो मैं इसको खाने वाली हूँ इंजरा के साथ, और यू नो लाइक इंजरा एक इथोपियन डिश है जो कि हम लोग ने रैले में खाया था, इंजरा एंड डोरो, इट्स लाइक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। बट इंजरा को मैं हमारे इंडियन ग्रेवी के साथ ट्राई करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी मैंने ट्राई किया था, इट इज़ अमेजिंग। गाइज मेरे हेलोबिनोज तैयार है सैलेड के लिए, इंजरा एंड इंडियन ग्रेवी, ओ माई गॉड अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। अगर कोई इथोपिया से देख रहा है तो लाइक हे, और इंडिया से देख रहा है तो हाय। और इफ़ यू लाइक माई कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट इज़ माई डेली ब्लॉग एंड आई एम होपिंग टू सी यू सून, बाय।